कानवागढ़ के एक गांव होता है, वहाँ पे दो रिक्शा ड्राइवर रहते हैं। और हमारे उस गांव में हमारे एक रिक्शा ड्राइवर का नाम होता है, उनकी पहचान से होता है, रामू काका, पेंडल रिक्शा वाले, जो अपनी पेंडल रिक्शा लेके अपना जीवन गुजारा कर रहे होते हैं। ऐसे में एक दिन पर डे 3 रुपये कमाते हैं, 3 रुपये कमा के खुश रहते हैं। और हमारा दूसरा रिक्शा ड्राइवर होता है मोटू रिक्शा वाला, बहुत चिंगूस और मारवाड़ी किस्म का होता है, वो ऑटो रिक्शा चलाता है। और उसकी ऑटो रिक्शा पेट्रोल CNG रिक्शा होती है, और हमारे रामू काका के पास पैदल रिक्शा होती है। एक बार गांव में घूमने एक मैडम आती है, उसे ताजमहल को जाना होता है। तो हमारे रामू काका की पहले रिक्शा में एक और वो रिक्शा में बैठ जाती है। तो रामू काका सब उसे इशारा करके बताती है कि ताजमहल बज जाना, तो रामू काका समझ चुके होते हैं और ले जा रहे होते हैं। तभी रामू काका को कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है, बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती, क्योंकि ढलान वाला रास्ता है, वो ऊपर चलने का भी बहुत ही अघरा है, पैदल से चलाना और उम्र का भी एरिया चलना, और हमारा मोटो रिक्शा लेके इधर से इधर घूमता रहता है और रामू परेशान करता है। तभी रामू काका अपना देह भूले बिना उसी देह पे चलते हुए चला करते, थकते हुए भी चल जाते, क्या करें कि चलना तो उनका काम है। आखिर में थोड़ा ही बाकी रह जाता है, ताकि गाड़ी धीमे धीमे चल रही होती है, उनको अवस्था होता है कि मैं आकर इस गाड़ी को चला ही दूंगा, ऊपर चला दूंगा। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनकी गाड़ी के नीचे आ टकराता है। अभी गाड़ी उस पत्थर के आके आगे फंस जाती है, गाड़ी चल नहीं पाती है। तभी अचानक वो मैडम के हाथ से कोई चीज़ या कोई वस्तु की कुछ भी चॉकलेट या कुछ भी हाथ से फिसलने लगता है, जैसे खाती है वो ऐसे अचानक फिसलने लगता है। तभी वो मैडम इधर साइड पे नमती है, तो अपनी गाड़ी का थोड़ा ताकत मिलती है और रामू काका को आसानी पड़ती है, थोड़ा वजन कम हो सकता है और लारी चलने लगती है और धीमे से आगे बढ़ने लगते हैं। रामू काका धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ने लगते हैं ऐसे उनकी मंजिल करीब आ जाती है। तभी आखिर में वो आ जाते हैं ताजमहल के पास। ताजमहल के पास आने पर उसे बहुत खुशी मिलती है, रामू काका बहुत खुश होते हैं। रामू काका ऊपर वाले का कहते हैं कि या खुदा तेरा बहुत शुक्र है, तूने मेरे को पहुँचा ही दिया। आखिर में 3 रुपये मैडम ने भी देखे और खुशी खुशी से वो भी अपना ताजमहल घूमने चली जाती है, खुश होकर वो भी ताजमहल घूम रही होती है। तभी हमारा मोटो रिक्शा वाला सामने देख के वो काका के सामने चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि मैं भी 3 फेरे लगा दिए। तभी रामू काका बोलते हैं कि किस्मत में जितना भी होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम कभी ना मिलेगा। रामू काका अपनी किस्मत को देखते हुए बहुत खुश हो जाते हैं और अपने घर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। भाई मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।